नारनौल के गांव गहली में पुरानी रंजिश के चलते असम राइफल के जवान की कुल्हाड़ी और गोली मारकर हत्या करने के मामले सामने आया था, जिसमें सदर थाना पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मृतक के परिजनों ने तरुण उर्फ चिक्कू समेत 8 लोगों के खिलाफ सदर थाना पुलिस में शिकायत दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने इस मामले में कमला और उर्मिला नाम की महिला को गिरफ्तार किया था। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को भी पकड़ लिया है। इस मामले में पुलिस द्वारा अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 तारीख को गैली विलेज में, जो कि सदर नारनौल की चौकी गैली में, एक मर्डर की वारदात हुई थी, जिसमें अजय सनौ भूप सिंह, जो कि असम राइफल में नौकरी करते थे, उनका कुछ लोगों द्वारा मर्डर किया गया। तुरंत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, 79 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ। उस दिन हमने 120 बी में 2 मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था, और जो मुख्य 3 आरोपी थे जिन्होंने उनकी गोली और कुल्हाड़ी मार के मृत्यु की हत्या की, उनको हमने गिरफ्तार कर दिया कल दिल्ली से। इन तीनों का नाम तरुण उर्फ चीकू, प्रदीप और सुजीत उर्फ संजू है। अब हमारे द्वारा इनको रिमांड में लिया जाएगा, ताकि वारदात में प्रयोग 2 कंट्री मेड वेपन, जो कि 315 बोर के थे, वो हम रिकवर कर पाएं, और जो वारदात में जो मोटरसाइकिल यूज की गई थी उसको रिकवर कर पाएं। मेरे द्वारा खुद भी सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण किया गया था, वहां पे मौके पे हमें 315 बोर के खोल मिले थे, और जो कंप्लेंट थी उसमें 10 मुलजिम बाय नेम थे और एक अन्य आरोपी था। हमने टोटल 5 मुलजिम इसमें गिरफ्तार कर लिए हैं, और बाकियों को गिरफ्तार करने के लिए हमारी CIA टीम नारनौल, सदर नारनौल थाने की टीम और CIA महेंद्रगढ़ भी इसमें जुटी हुई है। सर, इसमें जो आरोपी हैं सभी एक ही गांव के हैं या फिर अलग अलग गांव के? देखिए, जो अभी हमने पकड़े हैं वो एक ही गांव के हैं, बाकी किसी और गांव के भी, जो कि किसी के फर्ज इंसाफ या डिस्क्लोजर में आ गया ना, 216 IPC, क्योंकि जिनको हमने दिल्ली में जहां से गिरफ्तार किया है वहां ये किसी के पास रुके हुए थे और वारदात से पहले भी उनसे ये मिले हुए थे। तो अब जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी और जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपसे शेयर करेंगे। इसी विषय में एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ये भी नाम आया है कि ये जो 2 असले थे, इन्होंने 2.5 महीने पहले 30,000 रुपए के लिए थे और 7 राउंड, 2 कंट्री मेड वेपन, 30,000 के लिए थे, और जिससे लिए थे वो एक राजस्थान का व्यक्ति है, जिसका मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि पुलिस द्वारा उस पर रेड किया जाएगी और उसको भी हम काबू करेंगे। बता दें कि 24 फरवरी को गांव बहली में असम राइफल के जवान अजय कुमार की हत्या कर दी गई थी। हत्या में बदमाशों ने देसी कट्टा व कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। बदमाशों ने पहले अजय कुमार को गोली मारी थी, जिसके बाद उन्होंने उसके सिर में कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद तीनों बदमाश वहां से भाग गए थे, लेकिन पुलिस ने आधुनिक तकनीक की सहायता से आरोपियों का पता लगाया और उन्हें काबू कर गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, ताकि और कई खुलासे हो सके। नारनौल से भालिंद्र यादव, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।